अगर आप अपनी टी शर्ट किसी डिजाइन करवाना चाह रहे हैं तो यू एब्सोल्युटली स्क्रूड। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं और आप अपनी शर्ट खुद डिजाइन करना चाह रहे हैं तो कीप वॉचिंग दोस्त। एवरी नाउ एंड देन यू सी अ डिजाइन जिसको देखते साथ ही आप कहते हैं हाँ यार बड़ा मजा आया, ये ले लेते हैं। This is what this video is all about. इस वीडियो में इंटेंसिटी थोड़ी अप है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा काम करना है। I'll take you through all the process, किस तरह आइडियाज लेके आते हैं, उस आइडिया को किस तरह डिजिटाइज करते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन के लिए लेके जाते हैं। So stick around till the end. किधर है? अच्छे आइडियाज कभी भी कहीं से भी आ जाते हैं। कभी कभी आप अपनी पुरानी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं और कभी कभी आप अपने आप को ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी तरह मेरे आइडियाज भी अजीब और गरीब जगहों से आते हैं। अच्छा, मच्छी वाला जोक ये था कि दो जर्सी थे आपस दो जर्सी बैठे हुए थे आपस में। तो एक ने दूसरे से पूछा कि तुम कब नहाते हो यार। अच्छा। तो उसने जवाब दिया कि मैं तो जब पैदा हुआ था तो मुझे इन्होंने नहला दिया था, तो उसके बाद जब मैं मरूंगा तो फिर ये मुझे नहलाएंगे। तो उसने फिर पूछा कि यार तुम कब नहाते हो अपने। तो उसने कहा यार शर्मा के बोलता है मैं तो साल के साल नहाता हूँ यार। अच्छा। तो वो कहता यार तू तो मच्छी है पूरी भी, तू तो मच्छी का पुत्र है यार। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मच्छी का पोता जो स्टेटमेंट है बड़े मज़े की है, बिकॉज पोलराइजिंग भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। लेकिन आमतौर पे हमारी सोसाइटी में जब भी किसी चीज़ का पुत्र या किसी का बच्चा बोलते हैं तो दैट्स ऑलवेज नेगेटिव, जैसे कि उल्लू का पट्टा हो गया, कुत्ते का बच्चा हो गया। सो इट इज़ ऑलवेज यूज एज अ गाली। हमारा चैलेंज ये है कि इसको पॉजिटिव तरीके से किस तरह लेके जाया जाए। एंड दैट हैपेंस टू द प्रोसेस ऑफ आइडिएशन व्हिच इज़ द नेक्स्ट स्टेप। हम अपने कॉन्सेप्ट के लिए ग्राफिक डिजाइन की टेक्निक यूज करेंगे जिसको वर्ड आर्ट कहते हैं, जैसे कि लव्स आर्ट में तब्दील हो जाते हैं। क्योंकि मच्छी का पुत्र इतना स्ट्रॉन्ग आइडिया है, अगर हम इंटरेस्टिंग शेप्स इस्तेमाल करें और टेक्स्ट इस्तेमाल करें तो एक मुफीद तरीके से ये आइडिया कम्युनिकेट किया जा सकता है। जब स्केच कर करके मेरे सर में दर्द हो जाती है तो इंस्पिरेशन और तस्कीन के लिए मैं गूगल पर जाता हूँ। जब आपका आइडिया थोड़ा सा फाइनलाइज हो जाए तो आप इसको डिजिटाइजेशन के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर में लेके जा सकते हैं। माय चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर इज जनरली एडोबे इलस्ट्रेटर बिकॉज ये वेक्टर बेस्ड है। सबसे पहले आप शेप्स बनाएं। शेप्स बनाने के बाद आप टेक्स्ट लिखें, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोनों को सिलेक्ट करें, उसके बाद एडिट में जाके एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक फिट टॉप ऑब्जेक्ट की कमांड यूज करें। वाला जैसा कि आपने देखा टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया शेप के ऊपर। ये तरीका उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप वर्ड आर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डिजाइन के अंदर। अब आप देखें कि ओहो ये तो मिकी माउस लगना शुरू हो गया, कोई मसला नहीं है, इसको हम बदल देते हैं। लेट्स ट्राई टू कम अप विद अ डिफरेंट फिन। मच्छी तो आ गई है, अब मच्छी का पुत्र बनाते हैं। द सेम प्रोसेस रिपीट्स। आप एडिट में जाएंगे, एनवेलप डिस्टॉर्ट की कमांड लेंगे और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। और अब हम इसको फाइनलाइज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मच्छी और मच्छी के पुत्र में मोहब्बत का रिश्ता हमने इस्टेब्लिश कर दिया है, और शुक्र है हमने इंस्पिरेशन क्यूट चीज़ों से लिया था। अब हमारा ग्राफिक रेडी हो गया और हम इसको PNG में एक्सपोर्ट कर देंगे।
डिजाइन करने के बाद जो अगला स्टेप है वो है प्रोटोटाइपिंग मॉकअप्स के थ्रू। ग्राफिक डिजाइन में मॉकअप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी शर्ट प्रिंट होने से पहले रियलिटी में कैसी लगेगी ये हम मॉकअप्स के थ्रू जान सकते हैं। आप गूगल पे जाके मॉकअप फॉर टी शर्ट्स लिखें, अगर आप टी शर्ट्स बना रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा साइट्स ऐसी मिलेंगी जिससे आप ग्राफिक्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। Hello, Ali. Okay, I'm doing a t-shirt, man, and I need some mock-ups that you did last time for your brand Progressive Aesthetics. You have them? Yeah. I have a telephone which can take photographs. So I took a nail, put it to the wall, and I hung just a simple t-shirt of myself, like, on it. So should I send that to you or what? Please do. Okay, cheers, check your email. Bye-bye. Ciao. Ciao. हमारे यहाँ टी शर्ट्स की प्रिंटिंग आपको खुद नहीं करनी पड़ती, देर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंट ऑन डिमांड। ऐसी बहुत वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाके टी शर्ट कस्टमाइज करके ऑर्डर कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, अपना ग्राफिक अपलोड करें, उसकी एडजस्टमेंट करें, उसको फाइनलाइज करें और पैसे अदा करें और अब वेट करें। फाइनली ये शर्ट आ गई हमारे पास और अब देखते हैं कि ये कैसी लग रही है। लेट मी सी। वाओ, गिव मी 2 मिनट्स। इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपसे छोटी सी बात शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे मुताबिक बदतमीजी और क्रिएटिविटी के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। अगर आप कोई ऐसी चीज करें जो बदतमीज ज्यादा हो और क्रिएटिव ना हो, या ज्यादा क्रिएटिव और बदतमीज ना हो, मजा नहीं आता। आई थिंक द स्वीट स्पॉट लाइज जस्ट इन द मिडल। बात तो आप समझ गए होंगे। इतनी जल्दी क्या है दोस्त? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। मुझे तो बहुत मज़ा आया बना के। एंड मर्चेंडाइज डिज़ाइन एंड टी शर्ट डिज़ाइन इज ऑल अबाउट हैविंग फन। इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। देर इज़ नो राइट, देर इज़ नो रॉन्ग। इफ़ यू इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम डूइंग, यू कैन गो टू माई वेबसाइट design-hustle.com एंड सी व्हाट आई एम अप टू। एंड विद दैट आई विल सी यू नेक्स्ट वीक दोस्त।